Hi guys, welcome back to my channel. Today we're going to discuss क्या हम skin A और skin on cream जो कि azelaic acid और retinol है, क्या हम वो साथ use कर सकते हैं कि नहीं. इसके बारे में मुझे इतने questions आते हैं कि मैंने सोचा एक separate video बना लूँ. Everybody wants to know कि कैसे इनको एक साथ use कर सकते हैं, use कर भी सकते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो इससे कोई reaction हो सकता है. Like so many questions about this, so I thought let's make a video. सबसे पहले what is retinol and what is azelaic acid. Retinol vitamin A है, वो आपकी skin renewal के लिए, cell turnover, wrinkles and fine lines, acne, hyperpigmentation, इतनी सारी चीजों के लिए retinol होता है. अगर आपको in-depth video चाहिए इसके ऊपर, I'm going to link that. Do watch that video because it's really important if you want to know why you should use retinol. Azelaic acid भी काफी similar तौर पे काम करता है, वो भी hyperpigmentation के लिए बहुत अच्छा है, acne के लिए बहुत अच्छा है, एक्नी मार्क्स के लिए, स्कार्स के लिए बहुत अच्छा है. सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये दो बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या इनको साथ यूज करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, उसकी हम बाद में बात करते हैं. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, क्या ये हम एक साथ यूज कर सकते हैं. येस यू कैन इफ यू डोंट हैव सेंसिटिव स्किन एंड इफ यू कैन टॉलरेट दिस, येस यू कैन यूज देम टूगेदर. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि पहले एजलिक एसिड लगाएं या पहले रेटिनॉल लगाएं. रियली डिपेंड्स, अगर आप स्किन ऑन क्रीम और स्किन ए क्रीम यूज कर रहे हैं तो ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर. बेसिकली व्हाट मैटर्स इज द कंसिस्टेंसी. जो सबसे लाइट फॉर्मूला है या सबसे थिन फॉर्मूला है वो पहले लगता है, और जो थिक फॉर्मूलाज हैं वो बाद में लगते हैं. स्किन ए और स्किन ऑन क्रीम काफी सिमिलर कंसिस्टेंसी के हैं, सो इट रियली डजेंट मैटर कि आप पहले स्किन ऑन लगाएं या पहले स्किन ए लगाएं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, जस्ट सो यू गाइस नो, मैं क्या करती हूँ, मैं पहले स्किन ऑन लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं स्किन ए लगा लेती हूँ, बट ऑनेस्टली इट डज नॉट मैटर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको एक साथ लगाने का फायदा क्या है. फायदा सिर्फ तब है अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर सके, वरना अगर आपकी स्किन टॉलरेट नहीं करती और रिएक्शन हो जाता है ना, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे. इट विल नॉट बेनिफिट यू, आपकी स्किन ज्यादा खराब हो सकती है. बट लीविंग दैट असाइड, इसको एक साथ यूज करने का फायदा ये है कि इनका जो बेनिफिट है वो कंपाउंड हो जाते हैं. इसका ये मतलब है कि अलग अलग ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्हेन यूज देम टुगेदर इट्स एक्चुअली मच मोर इफेक्टिव. सो इसको एक साथ यूज करना इज रियली ग्रेट इफ एंड ओनली इफ योर स्किन कैन टॉलरेट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि टॉलरेंस कैसे बिल्ड करनी है. फर्स्ट यू हैव टू वॉच माई वीडियो रेटिनॉल की, जिसके ऊपर मैंने इन डेप्थ रेटिनॉल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि उसको किस तरह अपनी स्किन केयर में इंट्रोड्यूस करना है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने इनको साथ यूज करना है, पहले आपको इनको अलग यूज करना आना चाहिए. एक ऐसा बंदा जिसने कभी कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पहले यूज नहीं किए हुए, जिनमें एक्सफोलिएटर्स, रेटिनॉल, एजलिक एसिड, ऑल दीज हार्शर इंग्रेडिएंट्स, स्ट्रॉन्गर इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने वो पहले कभी यूज नहीं किए तो फॉरन से इन दोनों को लेके स्टार्ट नहीं यूज कर देना एक साथ. व्हाट यू शुड डू इज के पहले रेटिनॉल अपनी स्किन केयर में इंट्रोड्यूस कराएं नाइट टाइम में. रेटिनॉल हमेशा रात को यूज किया जाता है. आफ्टर यू हैव बिल्ट टॉलरेंस, आपने टॉलरेंस बिल्ड कर ली है रेटिनॉल के साथ, तो उसके बाद एजलिक एसिड को आप डे टाइम में स्टार्ट करें यूज करना. एंड देन स्लोली जब आपकी स्किन दोनों के यूज टू हो गई है, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम टुगेदर एट नाइट. एजलिक एसिड डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं, रात को भी, लेकिन रेटिनॉल आप सिर्फ रात को यूज कर सकते हैं. तो अगर आपने इन दोनों को साथ यूज करना है तो आप रात को यूज करेंगे, बिकॉज इस कंकॉक्शन में रेटिनॉल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप इसको कितनी दफा यूज कर सकते हैं. अगर ये आपने कंकॉक्शन यूज करना है, ये दिन में आप एक दफा से ज्यादा एक तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे. एजलिक एसिड आप दिन में दो दफा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रेटिनॉल है वो एक दफा से ज्यादा दिन में यूज नहीं करना. एंड ऑल्सो आई फील कि अगर आपने ये कंकॉक्शन, ये मिक्सचर यूज करना है, द बेस्ट थिंग टू डू इज स्किन साइकिलिंग. स्किन साइकिलिंग क्या होता है कि आप अपनी स्किन को दरमियान में ब्रेक्स दें जब आप ये हार्श या स्ट्रांग इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं. इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज मंडे को आपने ये कंकॉक्शन यूज किया, उसके बाद आप अपनी स्किन को एक दिन ब्रेक दें, एक दिन फिर आप मे बी एक्सफोलिएटर यूज करते हैं. एक्सफोलिएटर अगर यूज करते हैं तो उस दिन एक्सफोलिएटर यूज करें, उसके बाद स्किन को दोबारा ब्रेक दें, फिर रेटिनॉल यूज करें, फिर ब्रेक दें. बेसिकली अपनी स्किन को ब्रेक्स दें. अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो हफ्ते में दो ब्रेक्स दें और उसके बाद एक एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करें, फिर दो दिन दोबारा ब्रेक दें और फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करें. दीज ब्रेक्स आर रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्किन है वो अपने आप को दोबारा बिल्ड कर सके. इन ब्रेक्स के अंदर ये नहीं है कि आपने कोई भी स्किन केयर नहीं करनी, इसके अंदर आपने स्किन नरिशिंग और स्किन बिल्डिंग इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं. वो कोई सीरम वगैरह होना जरूरी नहीं है. आपका मॉइस्चराइजर, अगर उसमें सेरामाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो यूज करें. हाइलुरोनिक एसिड है, जो भी स्किन के लिए नरिशिंग और स्किन के लिए हार्श इंग्रेडिएंट्स ना हो वो यूज करें.
सो आइडियली गिव ब्रेक्स टू योर स्किन एंड देन यूज दीज हार्श इंग्रेडिएंट्स, ताकि आपकी स्किन को बिल्ड करने का भी टाइम हो, साथ में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए कुछ कर भी रहे हो. सो गिव ब्रेक्स टू योर स्किन के वो साथ साथ जो है हील भी करे और साथ साथ उसके ऊपर काम भी हो. ओके, ये किन लोगों को यूज करना चाहिए ये कंकॉक्शन, एज़लेक एसिड और रेटिनॉल का स्किनरोन क्रीम और स्किन ए क्रीम, बिकॉज आई नो कि दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस इन पाकिस्तान. सो मैं इन दोनों की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, किन लोगों को इनको कंबाइन करके यूज करना चाहिए. एक्ने वालों को ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, पीपल हु हैव हाइपर पिगमेंटेशन, बहुत सारे लोग हैं जिनके स्किन के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं और यू नो ओवर टाइम निशान पड़ गए हैं, इट कैन रियली हेल्प विद दैट. उसके अलावा पीपल हु हैव एक्ने स्कार्स, जिनकी एक्ने होती है यूजुअली स्कार्स भी पीछे रह जाते हैं, तो इट कैन रियली हेल्प विद एक्ने स्कार्स, इट कैन रियली हेल्प विद हाइपर पिगमेंटेशन, इट कैन ऑल्सो रियली हेल्प विद मेच्योरिंग स्किन. अगर आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स आ गए हैं तो दिस कैन रियली हेल्प विद दैट. एक जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर डीप रिंकल्स आ चुके हैं, ऑब्वियसली दीज आर नॉट मिरेकल क्रीम्स. अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कम्प्लीटली आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगी अगर आप 50s में 40s में और आपके बहुत डीप रिंकल्स हो चुके हैं, तो स्किन केयर एक हद तक काम करती है, वो आपको 20-year-old स्किन वापस लेके नहीं दे सकती. सो कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक, डोंट एक्सपेक्ट के मिरेकल्स हो जाएंगे, बट हाँ अगर आपकी स्किन में प्री मेच्योर एजिंग आई है या फिर आपकी फाइन लाइन्स काफी ज्यादा हो गई हैं, सो दिस डेफिनेटली हेल्प्स विद दैट. हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि ये किसके लिए नहीं है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है जो हर चीज से रिएक्ट कर जाते हैं तो उनके लिए तो ये डेफिनेटली नहीं है, उनके लिए भी नहीं है जिन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किए हुए. लाइक आई गिव यू माय एग्जांपल, आज से 5 साल पहले जब मैं बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करती थी, एक्सफोलिएटर्स रेटिनॉल ये सब यूज नहीं करती थी, मैं अगर तब ये यूज करती तो ऑनेस्टली मेरी स्किन काफी रिएक्ट कर सकती थी. आज आफ्टर 5 years आफ्टर यूजिंग सो मेनी डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मैंने एक्सफोलिएटर्स रेटिनॉल यू नेम इट सब कुछ अपनी स्किन पे अब लगा छोड़ा है, अब मेरी स्किन काफी हद तक कुछ भी बर्दाश्त कर लेती है, मैंने स्किन में बर्दाश्त पैदा की है, तो आफ्टर दिस आई कैन एक्चुअली यूज सो मेनी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, सो नाउ दिस कॉम्बिनेशन डज नॉट बॉदर माय स्किन. अच्छा, इस कॉम्बिनेशन के साथ और कौन से आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं? ऑनेस्टली जितने कम इंग्रेडिएंट्स इनके साथ यूज करेंगे वो बेहतर है. कोई स्ट्रांग एक्सफोलिएटर, विटामिन सी इस तरह का इंग्रेडिएंट तो बिल्कुल यूज नहीं करना. इससे पहले आपने कौन सा क्लेंजर यूज करना है, कोशिश करें कोई ऐसा ही क्लेंजर यूज करें जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो. बहुत सारे लोग सैलिसिलिक एसिड वाला क्लेंजर यूज करते हैं, तो डू नॉट यूज दैट, डू नॉट यूज अ मैंडेलिक एसिड क्लेंजर. कोई भी हार्श क्लेंजर यूज ना करें, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट के टू मच हो जाए, क्योंकि एक्सफोलिएटर उसके बाद रेटिनॉल एंड एज़लेक एसिड दैट्स जस्ट टू मच. इवन अगर आपकी स्किन बर्दाश्त कर सकती है उसकी बर्दाश्त टेस्ट ना करें. उसके बाद जो मॉइस्चराइजर आप यूज करेंगे उसमें सेरामाइड्स हो तो अच्छी बात है, सेरावीक का बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. कोई भी थिक सा मॉइस्चराइजर जिसके अंदर सेरामाइड्स हो दैट विल बी फाइन, इवन अ मॉइस्चराइजर दैट हैज हाइलुरोनिक एसिड दैट इज फाइन टू. लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर जिसमें विटामिन सी हो, जिसके अंदर कोई एक्सफोलिएटर हो, जिसके अंदर कोई भी इवन पेप्टाइड्स, जस्ट अ गुड बेसिक सा थिक सा मॉइस्चराइजर. मुझे पर्सनली सेरावीक का बहुत अच्छा लगता है, आजकल मैं प्राइमरी स्किन का यूज कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छा है. सो यू कैन यूज अ गुड थिक मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, स्पेशली ऑन दोज जिसके अंदर सेरामाइड्स होते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अपनी स्किन को हील करना है और सेरामाइड मॉइस्चराइजर स्किन हीलिंग में बहुत काम आते हैं. अच्छा, इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स होने तो नहीं चाहिए, लेकिन माइल्ड इरिटेशन जब आप शुरू में ये स्टार्ट करेंगे यूज करना तो स्लाइट इरिटेशन इज फाइन, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन काफी इरिटेट हो रही है, स्टॉप यूजिंग इट बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट. आपकी स्किन अगर रिएक्ट कर जाए ना, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू योर स्किन, बिकॉज उससे जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसको ठीक करने में फिर अरसा लग जाता है. उसके अलावा थोड़ी बहुत ड्राइनेस भी एक्सपेक्टेड है, वो भी होती है. पर्जिंग भी पॉसिबल है, लेकिन पर्जिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. देर सो मेनी वीडियोज ऑन द इंटरनेट जिसमें पर्जिंग और ब्रेकआउट का डिफरेंस बताया हुआ है. आई ऑल्सो मेक अ वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, लेकिन डू योर रिसर्च एंड ट्राई टू फिगर आउट कि ये पर्जिंग है या फिर ये प्रॉपर एक रिएक्शन है या आपके दाने निकल आए हैं बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन. पर्जिंग इज गुड बिकॉज जो आपके स्किन में दाने ऑलरेडी होते हैं वो उनको ऊपर लेके आता है, तो ये दाने इवेंचुअली निकलने थे, सेल टर्नओवर क्योंकि ज्यादा हो जाता है तो वो जल्दी ऊपर आ जाते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पर्जिंग एंड ब्रेकआउट. ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं स्किन ए यूज कर रही थी, मैं स्किन रॉन क्रीम यूज कर रही थी और मेरा जो मिलाजमा है या मेरा जो भी हाइपर पिगमेंटेशन है और वर्स हो गई है.
यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी स्किन इज डिफरेंट, और अगर आपकी इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से, इस कॉम्बिनेशन को यूज करने से किसी भी तरह कोई चीज वर्स हो रही है ना, दाने निकलना इज सेपरेट, लेकिन अगर हाइपरपिगमेंटेशन वर्स हो रही है, डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. ऑनेस्टली इस तरह ऑनलाइन ना मैं आपको बता सकती हूँ, दिस इज स्लाइटली एबनॉर्मल. सो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो स्टॉप यूजिंग इट एंड गो एंड डिस्कस इट विद अ प्रॉपर प्रोफेशनल, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए. तो अगर हो रहा है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या मैं सनब्लॉक यूज नहीं कर रही, या ऐसी क्या चीज है विच इज मेकिंग इट वर्स, इसका कॉज क्या है. यू हैव टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डिस्कस दिस विद देम, बिकॉज ओवर द इंटरनेट आई कैन नॉट स्पेसिफिकली टेल यू कि आपकी स्किन के साथ ये हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है. यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल. कोई भी मसला हो रहा होता है ना तो इस तरह इंटरनेट पे, चाहे वो मैं हूं चाहे इवन अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे इस तरह अपने सोल्यूशंस, स्पेशली अगर स्किन प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, डू नॉट लुक ऑन द इंटरनेट फॉर सोल्यूशंस. गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अपना स्पेसिफिक केस उनके साथ डिस्कस करें. सो ओके गाइज, दिस इज द वीडियो. आई होप मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं दिया, आई हैवन लेफ्ट एनी ऑफ योर क्वेश्चन. अगर और भी कोई क्वेश्चन हैं, डू लीव देम इन द कॉमेंट सेक्शन. लेकिन अंडरस्टैंड के आपका जो स्पेसिफिक केस है ना, द बेस्ट थिंग टू डू इज ऑलवेज गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डिस्कस योर केस, बिकॉज इस तरह ओवर द इंटरनेट स्पेसिफिकली किसी स्किन के बारे में नहीं कहा जा सकता, स्पेशली अगर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बन चुके हैं. आई नो मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आई हैव टू रीइटरेट इट बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप, अगर आपकी स्किन ज्यादा खराब हो रही है, इश्यूज बढ़ रहे हैं, आपकी कोई अंडरलाइनिंग कंडीशन है, यू शुड ऑलवेज टॉक टू अ प्रोफेशनल, अ डॉक्टर. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल और आपके सारे क्वेश्चंस इसके बारे में आंसर हो गए हो. लेकिन अगर फिर भी कोई और क्वेश्चंस है, लीव देम इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.